धमाका हुआ, हम बाहर आए तो देखा तो इधर से ऑटो जा रहा था, तो सारे बंदे इकट्ठे हो गए, देखे तो आग के गोला पूरा ऊपर उड़ रहा था उस टाइम। हाजी हाजी पूरे सारे स्टेचू बन गए, किसी को हिम्मत नहीं किया कि रुके चाहे किसी को बोले। चंडीगढ़ के सबसे पॉश इलाकों में से एक सेक्टर 10 में बुधवार शाम अचानक के कोठी से जोरदार धमाके की आवाज आती, खिड़कियों के शीशे गमले बाहर बिखर जाते। पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने बम धमाके के बाद कोठी में आग का गोला उठता देखा। सीसीटीवी कैमरे में दो हमलावर हैंड ग्रेनेड फेंकने के बाद भागते हुए ऑटो में बैठते देखे गए हैं। यह कोठी पंजाब पुलिस के एक पूर्व रिटायर्ड अधिकारी की बताई जा रही। इस बम धमाके में खालिस्तानी एंगल भी जोड़ा जा रहा है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना स्थल पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह अधिक जानकारी दे रहे हैं। वो तो थ्री व्हीलर की खोज कर रहे थे, थ्री व्हीलर ही मिला अभी तक, वो जो करने वाले वो अभी तक नहीं। तो अभी जारी कर दिया उन्होंने 2 लाख। हाँ वो उस रात प्रेस नोट कराया था। इन्वेस्टिगेशन से कुछ चीजें सामने आई हैं? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, देखते हैं कैसे कैसे टीमें बना रही हैं, बाहर भेजी हुई हैं, सभी जगह से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नहीं अरे वैसे बारे कोई नहीं है, आप कह सकते की सी कि नहीं है। सिक्योरिटी क्यों लाई गई? प्रिकॉशन सिक्योरिटी इस करके लगा रखी है भी चलो जोड़ा भी ये वारदात हुई है, किस चीज दे नाल छेड़खानी ना होवे, कोई प्रूफ है जे हैं जदा सीएसएफ लाके चक्केगी की है की चीज सी किदा होया है। अंदर परिवार ने गल बात कर रहे हैं? हाँ हाँ परिवार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर परिवार ने कोई गल दसी होगी किसी तरह दी, कोई आपसी नहीं? नहीं इन्हें कोई रंजस नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा वधिया बंदे रह रहे हैं, कोई गलबात नहीं है, बाहर रहिंदे अपने आस्ट्रेलिया रहिंदे। लखविंदर जी क्योंकि पंजाब पुलिस दे वड्डे अधिकारी जिहड़े इत्थे पहला रहिंदे सीगे ओ कड़ी नु जोड़िया जा रहे ना, ओदे देख के चल रहे हैं, देखते हैं अगे की हो रहा है, तफ्तीश कर रहे हैं, ओदे तो बाद देखेंगे। ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार कीता लखविंदर जी, उस तो कोई चीज़ अजे अजे कुछ नहीं, ओदे एवें जिद्दां तुसीं ले लैंदे आ रेंट ते किराए ते भी चल भी फलानी जगह जाना, तो ओदे लेके आए सी उन्होंने बारे पता नहीं है, इनवॉल्वमेंट कितने ना कितने हैगी ओदी, ओ डर गया ना, डरद क्या हो गया कहने घबरा गया, डर गया ना, फिर डरन तो बाद अगला कोई भी बंदा नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं वैसे जिदा रूटीन हायर किया 43 बारे अज तक क्लियर नहीं हो रहा, ऑटो चालक ने 43 उतारिया पता नहीं 43 के रस्ते तारे ते क्लियर नहीं हां 43 तो कीता सीगा ओ जेड़ी सर सारी फुटेज सामने आ रही है जेड़े घूमदे नजर आ रहे हैं पैदल घूमड़े ऑटो दे ओ ठीक है अलग हां ओ ठीक है ओ किस किस एरिया दी जेड़ी सीसीटीवी फुटेज है ओथे दी है बस स्टैंड दी है बस स्टैंड दी है बस बस स्टैंड दे है बाकी देखदे हैं होर करांगे सर्च कर रहे हैं टीमें भेजी हां जी 2 लाख हां 2 लाख रुपया रविंदर जी क्योंकि कल तुसी कंटिन्यू इत्थे सीगे पूरी इन्वेस्टिगेशन ची भी तुसी नाल रहे हो ते हुण तक दी इनिशियली इन्वेस्टिगेशन ची कुछ निकल कर सामने आया कोई गैंगस्टर कनेक्शन होवे कोई टेररिस्ट कनेक्शन होवे रविंदर जी कुछ अलग अलग एजेंसियां दे ना सारे अपने अपने लगे हुए हैं जिदा भी कोई ऐसा अगे आएगा प्रूफ आएगा क्ल्यू आएगा तुहानू सारे नूं दस्सिया कोई ऑटो रिक्शा वाले दी जिहड़ी इन्वॉल्वमेंट तां नहीं हजे सामने नहीं नहीं ओहदा अजे तक कोई नहीं ओहदे इदां जिदा आपां हायर कर लैंदे ओहदां ही धमाके के बाद का मंजर बता रहे हैं पड़ोसी। कल जो आपने देखा? हम तो अंदर थे जब धमाका हुआ, तो हम बाहर आए तो देखा तो इधर से ऑटो जा रहा था, तो सारे बंदे इकट्ठे हो गए, देखे तो आग के गोला पूरा ऊपर उड़ रहा था उस टाइम। अच्छा। तो सारे देखे तो यहाँ पे कोई बंदा वो ऑटो वाले थे इधर को निकल के जो अंकल थे ना अंदर वो भाग के आए, किसी और इनोवा गाड़ी में पकड़ने की कोशिश की है, वो तो फिर आगे गए मटका चौक तक। हाँ जी हाँ जी, वो सरकारी वो बंदे हैं ना अपना कोई पुलिस कोई अफसर है वो रिटायरमेंट है, उन्होंने भाग के गए देखने के लिए, तो हाँ तो मिले ही नहीं, उसके बाद तो फिर वहाँ से घूम के आ गए। कहाँ तक ढूंढने गई है? मटका चौक तक। कितने बजे का मामला? हाँ जी वो मैडम वो 6:05। हाँ जी। तो कितने लोग थे यहाँ पे? बहुत कम से कम 40-50 बंदे इकट्ठे हुए थे। हाँ जी डर का माहौल हो गया। हाँ जी हाँ जी पूरे सारे स्टेचू बन गए, किसी को हिम्मत नहीं किया कि रुके चाहे किसी को बोले ऐसे। इस बम धमाके को लेकर पंजाब पुलिस अधिक कुछ नहीं कह रही है सिवाय इसके कि जांच जारी है, उसके बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। लेकिन इस मामले के खालिस्तानी एंगल से भी जानकार इनकार नहीं कर रहे।
इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। खालिस्तानी ताकतें पिछले कुछ वक्त में लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। अमूमन यह विदेशी धरती पर देखा जा रहा था, लिहाजा विदेशों में बैठे खालिस्तानी चंडीगढ़ धमाके की इस घटना में शामिल हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल उनके लिए भी है। खालिस्तानी हमलों का पैटर्न कुछ इसी तरह का रहा है, लिहाजा चंडीगढ़ के सबसे पॉश इलाके में हैंड ग्रेनेड फेंक कर भागते हमलावरों की तस्वीर डराने वाली। उम्मीद है पंजाब पुलिस घटना की तह तक जाकर सारी सच्चाई जल्द सामने लाएगी।